राधे राधे जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है ब्रज यात्रा, वो भी बरसाने में। और आज आए हुए थे हम राधा कुंड में, और राधा कुंड में हमको एक ऐसी शख्सियत मिली, सॉरी मुंह से निकल गया राधा कुंड, ये है राधा बाग। और आज हमको ऐसी शख्सियत मिली, जब इनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो ये लगा लो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज हमारे ब्रज के लोगों में और गैयों के कानों में पड़ती थी, वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी। ऐसे ही हमारे प्रधान जी की आवाज़ है। प्रधान जी हमारे यहीं पर एक ऊंचा गांव है, जहाँ की भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की एक प्रिय सखी थी, ये वहीं के प्रधान जी हैं। और हमारे ताऊ जी का नाम है ब्रज किशोर, तो नाम में भी अपने आप में उन्होंने एक ये लगा लो अपने ब्रज को समेट लिया है, वो ब्रज के किशोर हैं। और बहुत ही अच्छी शख्सियत के धनी हैं, मतलब मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं। और अब मैं अपने मुंह से उनकी कितनी तारीफ करूं। ताऊ जी राधे राधे। राधे राधे प्रिय बंधु हो, मैं हमारी ब्रजधाम की जो संस्कृति के अनुसार यहाँ की जो लोक परंपरा है, लोकगीत, उसको हमारी भाषा में, ब्रजभाषा में बोलते हैं लोकगीत, लोकगीत बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसको क्या हुआ, एक दिन एक ब्रज गोपी के, ब्रज सखी के घर में एक भगवान श्याम सुंदर घुस गए जी। तो भगवान जब श्याम सुंदर घुस गए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, गोपी ने पकड़ लिया भगवान को। तो गोपी क्या बोल रही है जी, अरे अभी तुही जान न दूंगी सामोरे, आज चाहे कर ले कितने उजोर, अरे कर ले कितने उजोर समरिया, कर ले कितने उजोर, अब तो है जान न दूंगी सामुरे, आज चाहे कर ले कितने उजोर। अरे नाम बिगाड़ो नंद बाबा को तेने नंद किशोर, नाम बिगाड़ो नंद बाबा को तेने नंद किशोर, अरे चाहे जाके घर में घुस जाए, चाहे जाके घर में घुस जाए ऐसो माखन चोर, अब तुहे जान न दूंगी सामुरे, आज चाहे कर ले कितने उजो, अरे दोहनी फोर कमोरी फोरी घुटी घुटाई गो, दोहनी फोर कमोरी फोरी घुटी घुटाई गो, अरे माखन को तो माखन खायो, माखन को तो माखन खायो छीको डालो तोर, अब तो है जान न दूंगी समरिया, आज चाहे कर ले कितने उजोर। अरे दोहनी वो चोरोर मोरोर मेरी चुड़िया कर गई बैया दई मरोर, चोरोर मोरोर मेरी चुड़िया कर गई बैया दई मरोर, और जरीदार जरी की फरिया, जरीदार जरी की फरिया फट गई नई निकोर, हाँ जरीदार जरी की फरिया फट गई नई निकोर, अब तो है जान न दूंगी सामुरे, आज चाहे कर ले कितने उजोर। ब्रज दयाल है गयो सवेरो कुंकन लागे मोर, ब्रज दयाल है गयो सवेरो कुंकन लागे मोर, और लेके काना चली गुजरिया, लेके काना चली गुजरिया नंद भवन की ओर, अब तो है जान न दूंगी सवरिया, आज चाहे कर ले कितने उजोर। तो सुना आपने, हमारे ताऊ जी ने लगभग मंत्र मुग्ध कर दिया आपको, चेहरे की स्माइल से पता लग सकता है कि कितना अच्छा उनमें एक टैलेंट है। और आप लिखते भी खुद ही हैं ताऊ जी? जी जी, ये सब तो ये लिखा हुआ गीत आपका ही है जी जी। ब्रज के ऐसे तो हमारे ब्रज में इतना टैलेंट है, पर होता है ना, किसी को लालसा नहीं होती कि
मुझे इस चीज से धन नहीं कमाना, बस अपने एक शौक के लिए है ताऊ जी का। सही सही बिल्कुल सही। तो ताऊ जी आप थोड़ा सा अपने जीवन का परिचय हमारे श्रद्धालुओं को दें कि कब से आप इस चीज में, कब से आपको इस चीज का थोड़ा शौक पड़ा, कब से आपने लिखना आरंभ किया, कब से आपने गाना आरंभ किया, या कोई ऐसी परिस्थिति, या मतलब कहते हैं ना कि ऐसी कोई टाइम होता है कि जब से इस तरफ आप मुड़े। मैं मुड़े ये है, मैं बचपन काल से ही, जैसा कि हमको ब्रज में भगवान ने जन्म दिया, जी हमारे परिवार में लिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप में इस बात को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं सारे रिलेटिव फ्रेंड्स मेरे जानकार सभी से कहता हूँ कि हम बहुत बड़ा प्रभु ने हमको भाग्यशाली बना के भेजा है, तो समझ धराधाम उन्हीं का, ईश्वर साकार निराकार सब कुछ वही है, और सभी जगह वही, लेकिन हमको भगवान ने अपने मुख्य धाम में जन्म दिया, सत्य कह रहा हूँ इस बात से। हम चाहे जिस स्थिति में है, इससे हम है, मैं कोई इस बात का रत्ती भर भी वो नहीं है गिला, लेकिन भगवान ने हमने आपको निज धाम में जन्म दिया, पहली बात ये हमारा, दे आर वेरी गुड फॉर्चुनेट, दोज वी गिव द बॉर्न ऑफ ब्रजधाम इन द नियरेस्ट ऑफ ललता सती एक ब्राह्मण फैमिली, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, रियली कह रहा हूँ। भगवान की लीलाओं का गायन वादन, उनकी जो करुण रस की, उनकी जो बड़ी बड़ी भारी हास्य रस की जो की लीला है, जिनको आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, ऐसी वो प्रकाशन में नहीं है, वो कुछ साहित्य ऐसा है जो ब्रजवासियों के पास है, वो आज तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है, और बड़ी बड़ी अजीबो गरीब उन्होंने भगवान की रहस्यमय लीलाओं का अवलोकन किया, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का, मधुर मधुर जो उन्होंने यहाँ ब्रजधाम में जो अपने जीवन काल में जो भी स्मृतियाँ छोड़ी, उनके हम ब्रजवासी एक तरह के हम उनके सजे हुए हैं, उनकी हम धरोहरों को आज भी चिन्हित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, हम ही उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम अपना जीवन का परम भाग्य मानते हैं, अहो भाग्य मानते हैं, भगवान ने राधा रानी के धाम में हमको जन्म दे करके भेजा, ये हमारा भगवान दाल रोटी जैसे कैसे सब चल रहा है जीवन का, जो तो इच्छाएं तो भाई जीवन के अनंत है, बाकी सच कुल मिला के एक अब तक का जीवन तो बहुत सेटिस्फाई रहा है, भगवान ने यहाँ सब कुछ दाल रोटी का भी इंतजाम किया है, जैसे भी है जो भी है, अब वह सभी तो अम्मानी नहीं हो सके। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नीचे लाल कलर का एक बटन होता है। इसी के साथ हमारी आप जो वीडियो अगर डेली देखना चाहते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास डेली आए, तो उसके लिए आप हमारी जो घंटी टाइप में बेल आइकन होती है उसको आप ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको डेली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे, राधे।